चुनाव हम लोग चुनाव जीतेंगे। जो पार्टी बीजेपी खड़ा कर रही है बी टीम, वो बीजेपी की ही पार्टी है। निश्चित रूप से हमारी जीत पक्की है। 100% मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे। ये हमारे पार्टी में कोई बिखराव नहीं, ऑल इज वेल और पब्लिक है सब जानती। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कुढ़नी में उपचुनाव होने हैं मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर। अब मुकाबला काफी कड़ा है। भाई वीरेंद्र आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कुढ़नी में जो चुनाव होना है, पिछली बार तो गोपालगंज में 1700 वोटों से हार हुई, मुकामा तो आप लोग जीत गए। लगता है कुढ़नी में भी समीकरण कुछ अलग होगा या वैसा ही कुछ होना है? नहीं, चुनाव हम लोग चुनाव जीतेंगे और बीजेपी अपनी बी टीम को भी कहीं कहीं खड़ा कर रही है हमारे वोटों पर प्रभाव डालने के लिए। लेकिन पब्लिक अब समझती जा रही है कि जो पार्टी बीजेपी खड़ा कर रही है बी टीम, वो बीजेपी की ही पार्टी है। पब्लिक अब समझ रही है उनको वोट वोट मिलेगा। मतलब आप AIMIM की बात कर रहे हैं ना? हाँ, निश्चित रूप से वो बी टीम बीजेपी का है और देश जान रही है। लोग भुलावे में कभी दे दिया वोट अलग चीज है, लेकिन अब वो देने वाला लोग नहीं। AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो साफ साफ कहते हैं कि सिर्फ वो मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनको अकलियतों से मुसलमानों से कोई मतलब है नहीं, कुछ करना नहीं। देश में अब मुस्लिम परिवार के यहाँ जाइए और जाइए और पूछिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके लिए क्या किया है, वो बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताऊंगा तो आप कहिएगा कि बड़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। आप उस परिवार के जाइए साथ में और उनसे बात कीजिए उनके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या किया। मतलब लग रहा है फाइनल है कि हाँ कुढ़नी में जीत आप? निश्चित रूप से हमारी जीत पक्की है और 100% मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे। जाति समीकरण जो है उसे देख के, क्योंकि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं कि जीत तो उनकी ही होगी, कमर खिलेगा। ऐसा है कि कोई भी पार्टी कहती है जीत होगी, लेकिन आप देख लीजिए वहाँ जमीनी हकीकत क्या है। और जमीनी हकीकत बताएगा कि वहाँ महागठबंधन के चाहने वाले लोग हैं और महागठबंधन को वोट मिलेगा। आपको नहीं लगता है जिस तरह से आपके पार्टी में नाराजगी चल रही है, जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना वो अधिवेशन में जाते हैं ना पार्टी कार्यालय आते हैं, इसका असर तो साफ साफ पड़ रहा है ना? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। आपको लगता होगा कि कोई प्रभाव पड़ता, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और जहाँ काम रुके हुए हैं, जहाँ तक है वो शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व हमारा उसको देख रहा है और उस पर जल्द ही निर्णय लेने वाला है और संगठन का काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि संगठन का काम हम लोग भी देख रहे हैं और संगठन का काम पूरी तौर से तरीके से बिहार से चल रहा है। जगदानंद सिंह के नहीं जाने से ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रभावित नहीं? हम कौन जाता है नहीं जाता है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता हैं और उनके इर्द गिर्द में पार्टी घूमती है और उनके इशारे पर ही पार्टी के लोग वोट देते हैं। उधर सुधाकर सिंह भी कह रहे हैं घूम घूम कर कि कृषि रोड मैप जो है वो खराब है, नीतीश कुमार की सरकार की निंदा कर रहे हैं। इस पर तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही जवाब देगा कौन क्या बोलता है। आपके पार्टी में बिखराव दिख रहा है ना? नहीं, हमारे पार्टी में कोई बिखराव नहीं। जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, ऑल इज वेल, वे ऑल इज वेल, कोई पार्टी में हमारा बिखराव नहीं है। आगे फैसला होगा, नेतृत्व फैसला लेगा। अब नेतृत्व फैसला लेगा, नेतृत्व क्या करता है नहीं करता है ये नेतृत्व मैं छोड़ता हूँ। कुढ़नी में आप कहने दावा कर, चुनाव जीना जीतेंगे और लोग समझ गया है कि कौन लोग बी टीम है बीजेपी का और पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक है सब जानती है। भाई वीरेंद्र हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के दावा किया है आपने सुना है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है। अगर बात हम जगदानंद सिंह की करें जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना वो कार्यालय आ रहे हैं, गुस्से में भी हैं, नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं इसका खैर वजह जो है वो सामने निकल के नहीं आया अब तक। इसकी वजह क्या होती है और आगे नेतृत्व क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।